हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीके गुप्ता और मैं सिविल ज्ञान सिटी चैनल से हूँ। आज आपके सामने है संतोष कुमार जी, जो कि बिहार में गोपालगंज में लेक्चरर पोस्ट पे हैं। बीपीएससी से जो लेक्चरर का जो वैकेंसी निकला था पिछले साल जिसका एग्जाम और रिजल्ट आया था, उसी में इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और आज हम इन्हीं का ये जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने सिविल का तैयारी किया। इनके पास ना ही तो एमटेक डिग्री था और ना ही एक्सपीरियंस था, फिर भी लेक्चरर पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि कितना टफ है आप खुद समझ सकते हैं अगर आप इसका तैयारी में जुटे होंगे तो। और काफी एग्जाम इन्होंने क्रैक किया लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, लेकिन लास्टली जहां पे जाना था इनको, आज ये वहां पे पहुंचे हुए हैं और आगे भी इनका जो जर्नी है वो जारी है। तो आज हम इनसे जानेंगे संतोष जी से, तो कैसे इनका जो जर्नी है सिविल, कैसे ये अपना स्ट्रॉन्ग किया और जाके सिलेक्शन लिए। तो स्वागत है संतोष जी हमारे यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आप हमसे बात कर रहे हैं, और बताइए अब। हाँ, तो आप अभी गोपालगंज में लेक्चरर पोस्ट पे हैं, तो कैसे इसका मतलब सिलेक्शन कैसे हुआ था बीपीएससी में इसका? सबसे पहले बीपीएससी का फॉर्म आया था तो उसमें हम अप्लाई किए थे। तो इसका सबसे पहले एग्जाम होता है, एग्जाम 40 नंबर का होता है, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेगा हाफ नंबर का, और टोटली गेट पैटर्न पर रहेगा आपको क्वेश्चन। जैसे कि इसमें आपको 15 नंबर का मैथ पूछेगा जो गेट पैटर्न का मैथ है, और 50 नंबर आपको टेक्निकल पूछेगा, सॉरी 50 क्वेश्चन 25 नंबर का। तो आपको यदि लेक्चरर की तैयारी करना है तो आपको मैथ भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ भी इम्पोर्टेंट रोल रखता है इसमें। हाँ। और टेक्निकल तो है ही। तो 40 क्वेश्चन जैसे हुआ था तो उसमें मैथ कितना नंबर का था और टेक्निकल कितना नंबर का था? मैथ था आपको 15 नंबर का। हाँ। और 25 नंबर का टेक्निकल। अच्छा, तो आपका 40 में कितना स्कोर किए थे आप? 40 में हमको 24.5 आया था, 24.5 नंबर। जनरल का कट ऑफ शायद 23 गया था, जनरल कट ऑफ 23 गया था। और सिविल में आप जिसे ये इंटरव्यू में, आपका इंटरव्यू भी होता है ना इसमें? हाँ, इंटर, उसके बाद आपको जब रिटर्न क्वालिफाई कीजिएगा। हाँ। आपको 15 नंबर इंटरव्यू होगा, अब 15 नंबर में हमको 10 नंबर इंटरव्यू में आया था। अच्छा, चलिए, 15 नंबर में इनका 10 नंबर इंटरव्यू में आया था, ठीक है, काफी अच्छा स्कोर है। ठीक है, आपको ये पता ही होगा कि लेक्चरर में, मतलब बिहार में अगर देखा जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर जो होते हैं जो लेवल 9 के, उससे भी ज्यादा सैलरी लेक्चरर में मिलता है। असिस्टेंट इंजीनियर का सैलरी तो है आपका बेसिक 53,100 है, लेकिन जो लेक्चरर का है उसमें 56,100 बेसिक है। तो सैलरी के मामले में असिस्टेंट इंजीनियर से भी ज़्यादा सैलरी होता है लेक्चरर का। और इन्होंने काफ़ी SSC JEE का भी एग्ज़ाम कई बार क्वालिफाई किए हैं लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फाइनली उससे काफ़ी अच्छा जो है लेक्चरर में इनका हो गया। तो आप सिविल का पढ़ाई मतलब कैसे किया था? सिविल अगर मान लीजिए किसी को स्ट्रॉन्ग करना है, सिविल में ज़्यादा मतलब मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, तो उसका तैयारी कैसे होना चाहिए सिविल का? देखिए, सिविल का कुछ मतलब कि प्रीवियस में ज़्यादा फोकस कीजिए। कोई भी एग्जाम जैसे गेट का है तो लेक्चरर का तैयारी में गेट का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर डायरेक्ट दे देता है 1 नंबर का, 1 नंबर जो होता है। तो आप गेट का प्रीवियस से पहले 1 नंबर वाला बना लीजिए, 1 नंबर वाला। उसके बाद आप गुप्ता इम्पोर्टेंट है बिहार को, कोई भी एग्जाम के लिए गुप्ता बहुत मायने रखता है, तो गुप्ता तो आप हर हाल में ख़त्म कीजिए। उसके बाद फिर आप IAS मास्टर के ले लीजिए, ES के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको बना जाइए। अब फिर देखो हैंडबुक कोई भी पब्लिकेशन का, जैसे कि हम सिविल बूस्टर लिए थे और वो हैंडबुक रखिए। और उसके बाद फिर और यदि और आपको टाइम बच रहा है तो आप यूथ का बना सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर आता है AE का जी, उसको आप 2 वॉल्यूम आता है उसको बना सकते हैं। और कोशिश कीजिए बस यही प्रीवियस ईयर को लेके फॉलो करें, मतलब मेनली प्रीवियस ईयर ज्यादा, मतलब किसी चीज का भी करना है तो प्रीवियस पे ज्यादा फोकस करना, प्रीवियस ईयर। और उसको एक बार मत बनाइए, कम से कम 10 बार बनाइए। देखिए 10 बार मतलब बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब जाके आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मतलब सिविल में अगर देखा जाए तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर सिविल स्ट्रांग है, अगर 100 में अगर 70% तक अप्लाई आते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कोई भी SSC JEE हो, BPSC JEE हो, लेक्चरर हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, उसमें अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप अच्छा जगह पे जा सकते हैं, मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम को, ठीक है। और आप पढ़ाई मतलब कैसे, कितना घंटा करते थे, कैसे करते थे पढ़ाई? तो हम रेगुलर कम से कम 12 घंटा करते थे, और 12 घंटा रेगुलर पढ़ाई करते थे जब BTech कंप्लीट हुआ उसके बाद,
ठीक है। और उसके बाद मेनली हम फोकस किए थे एक ही चीज को बार बार पढ़े, 10 को चीज से एक्स्ट्रा अच्छा है कि एक ही चीज को आप बार बार पढ़े। जैसे आपको याद हो तो इस पोर्शन से क्वेश्चन आए वो आपसे ना छूटे, जैसे कि सिविल का बूस्टेड है तो उसी को कम से कम 10 बार पढ़िए आप, क्योंकि याद हो जाएगा तो आप क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको नहीं छूटेगा। तो बस यही मेन मोटो है। आप कोचिंग कहाँ पे किए थे? देखिए, कोचिंग तो हम कहीं नहीं किए थे, हम तो सेल्फ स्टडी किए कोचिंग थे। कहीं नहीं किए, सेल्फ स्टडी किए। और बिहार का जो सबसे प्रतिष्ठित जॉब है, सबसे ज्यादा सैलरी वाला जॉब है, उनका हो गया है बिना कोचिंग किए हुए। कॉलेज में कुछ कुछ पढ़े थे उसी को बेस बना के, बाकी अपना से हाँ अपने से बस यूट्यूब से सपोर्ट लिए थे, यूट्यूब को सपोर्ट यूट्यूब किए से थे। सपोर्ट लेके और ये कर दिए। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपका जॉब पहले नहीं था, अभी जॉब है, तो कैसे लाइफ चेंज हुआ है, मतलब अब बताइए थोड़ा। देखिए खुशी तो होता है क्योंकि बेरोजगारी का धब्बा बहुत बड़ा बिहार में, जनरली लोग फोकस करता है गवर्नमेंट जॉब पे क्योंकि हम लोगों के पास कुछ दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ओनली यही अपॉर्चुनिटी है बिहार में, ना इंडस्ट्रीज है ना कुछ है, आप नहीं अच्छा लाइफ नहीं कर। देखो लास्ट ऑप्शन ऑनली रहता है गवर्नमेंट जॉब बिहारी जनरली देखा जाता है। तो आप बस यही एक मोटो था, बहुत हम भी डिप्रेशन में चले जाते थे, नहीं होता था कोई रियल, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, बहुत एग्जाम क्वालिफाई किए ऐसा नानटेक का भी, हम दरोगा वरोगा भी 2-3 बार क्वालिफाई किए लेकिन फाइनली नहीं हो पा रहा था। मतलब थोड़ा थोड़ा नंबर से चूक जा रहे थे लेकिन फाइनली जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। बस लेकिन यही था कि टेक्निकल नहीं छोड़े थे, टेक्निकल मेन फोकस टेक्निकल पे था, यही अच्छा, जेई इसके बाद फिर यही लेक्चरल का। कब के आप पास आउट हुए, कब से आप तैयारी कर रहे लेकिन हैं? मेरा सेशन था 13 से 17 लेकिन 18 में क्वालिफाई किए थे क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ और लेट के कारण। नौकरी लगा है 23 में, मतलब हाँ लगभग आपका इनका 5 साल से ये तैयारी कर रहे थे जून लगभग। में हमको यानी कि जून में हमको ज्वाइनिंग ले लिए थे, 23 में जून 23 में हम ज्वाइनिंग ले लिए थे, अभी एक ठीक साल हुआ है। हाँ एक एक साल साल हो गया इनको जॉब करते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जी भी लेक्चर गोपालगंज में गोपालगंज है। में ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा इन्होंने शुरुआती से मेहनत की। बस यही एक चीज है ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक और एक ही विकल्प है कि मेहनत करते रहना है सही डायरेक्शन में। ठीक है, एसएससी जेई पे फोकस कर रहे हैं आप तो जीके जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है क्योंकि जितना भी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट है सब मेनली फोकस आता है जेई पे, तो जेई पे यदि आप फोकस कर रहे हैं तो आप जीके जीएस को कभी मत छोड़िए नहीं तो फिर बहुत पीछे पीछे ले जाइएगा। जेई में भी इनका प्री में 127 127-30 तक नंबर आया है, 34 प्री में लाया है लेकिन फाइनली कुछ कुछ नंबर से रह गए थे, लेकिन मेन फोकस था इनका इधर आने का, तो इसके वजह से आज मेन इनका फोकस था मेरा यही बिहार के यही और लेक्चर पे यही पे था हाँ फोकस, हाँ तो इसीलिए उधर ज्यादा फोकस टाइम नहीं देते थे, इधर वैकेंसी था तो इसी में थोड़ा मतलब कि टाइम देते थे, बिहार में ज्यादा सही रहेगा, अपना घर है बिहार तो। जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट 4-5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सुझाव देंगे कैसे? देखिए लगे रहिए क्योंकि बहुत सारा सिविल में अपॉर्चुनिटी है, नहीं कुछ है तो एसएससी जेई हर एक साल 700-800 वैकेंसी सिविल में दे ही देता है एसएससी जेई, ठीक है ना, तो वो लगे रहिएगा ना, और बिहार में भी आता है और अदर स्टेट में भी आता है, ठीक है ना, इसलिए लगे रहना है, छोड़िएगा ना तो फिर आप नहीं कुछ कर पाए। हमको भी मन में हो रहा था बीच में दूसरा मूव कर जाते हैं टेक्निकल छोड़ के नॉन टेक में चले जाते हैं, लेकिन नहीं आप टेक्निकल मत छोड़िए सिविल में, खास करके है तो सिविल में है अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब में भी, आप प्राइवेट में भी अपॉर्चुनिटी है लेकिन थोड़ा उसमें कष्ट है, फील्ड वर्क है शुरू में कष्ट है, फिर उसमें भी आप 4 साल 5 साल जॉब कर लीजिएगा तो उसमें भी ग्रोथ है। एक मेरा दोस्त है मेरे साथ पढ़ते थे, वो बेचारा का नहीं हुआ कुछ कुछ नंबर छूट गया तो भी प्राइवेट जॉब कर लिया, अभी महाराष्ट्र में उसको 70,000 उसका भी ऐसे प्राइवेट में उसको पैकेज है, लेकिन 3-4 साल स्ट्रगल किया है, बिहार में कुछ जॉब किया है कुछ पंजाब में जाकर किया है, अब उसका 70,000 रुपया महाराष्ट्र में उसको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में नहीं है, लेकिन आप मेनली फोकस कर रहे हैं जॉब पे गवर्नमेंट जॉब पे तो छोड़िए मत, कभी भी गिव अप मत कीजिए, आप लगे रहिए एक ना एक दिन टाइम आएगा। हमको भी ऐसे मन में हो रहा था बीच में कि छोड़ दे अब क्या करें नहीं करें प्राइवेट जॉब कर ले, लेकिन बस ऊपर वाला कृपा और लगे रहिए मेहनत करते रहिए जरूर एक दिन सक्सेस होइएगा। ठीक है, तो मतलब मेन आपका यही है कि लगे रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं है बस लगे रहना है, आपको जरूर आपका सिलेक्शन होगा, चाहे टाइम लगेगा लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा, बस आपको लगे रहना होगा। बस यही करेंगे। और भी आगे मतलब इस तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए या फिर इनसे और भी कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपना तैयारी जारी रखिए, और भी इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैव अ नाइस डे। थैंक यू।